दोस्तों आज हम बात करेंगे नोटबुक मेकिंग बिजनेस के बारे में। दोस्तों चाहे हम स्कूल में हो, कॉलेज में हो, घर में हो, ऑफिस में हो, जॉब में हो या कहीं भी हो, हमें नोटबुक का उपयोग लगता ही लगता है। दोस्तों ये जो बिजनेस है ये FMCG में आने वाला बिजनेस है, जो फास्टेस्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड होता है उसमें आने वाला ये बिजनेस है, क्योंकि इसमें आपको हमेशा इस चीज की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो दोस्तों ऐसे में ये बिजनेस में कभी मंदी आ ही नहीं सकती, इसलिए जो बिजनेस है ये काफी स्कोप वाला बिजनेस है। तो दोस्तों आज हम इसी बिजनेस के बारे में बात करेंगे कि नोटबुक के लिए आपको कौन से नोटबुक बनाने के लिए आपको कौन से मशीनरी की आवश्यकता होगी, कौन से रॉ मटेरियल लगेंगे, कितने एरिया की आवश्यकता होगी, कितना कॉस्टिंग लगेगा और इसमें कितना प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जरूर सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के इनोवेटिव आइडिया लाते रहते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए इस बिजनेस में लगने वाले एरिया की, तो इस बिजनेस को आप रेसिडेंशियल एरिया में भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर जो एरिया है ये लगभग लगभग 3000 स्क्वायर फीट तक का इसमें एरिया आपको लग जाएगा। सेकंड थिंग, आपको यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कमर्शियल कनेक्शन आपको लेना होगा जो डबल फेज का हो, क्योंकि जो इसकी मशीन्स होती है काफी बड़ी होती है, इसमें डबल फेज का कनेक्शन आपको जरूरी होता है। दोस्तों अगर बात की जाए इस बिजनेस में लगने वाले रॉ मटेरियल की, तो यहाँ पर आपको पेपर शीट लगेगा। इसके अलावा जो आप नोटबुक बनाते हैं उसके ऊपर का जो कवर होता है उस कवर की शीट लगेगी। इसके अलावा आपको पिंस लगेगी, जो उसके सेंटर में पिन स्टिचिंग होती है वो पिंस लगेगी, और आपको साथ ही साथ पैकेजिंग के हिसाब से कुछ और सामान भी इसमें लग सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस बिजनेस में प्रॉफिट की, तो यहाँ पर आपको 35% से लेकर तो 60% तक का प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। दोस्तों अगर बात की जाए इस बिजनेस में ब्रांडिंग की, तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि कई कंपनीज ऐसी है, जैसे क्लासमेट है, कैमल है, ऐसी कई कंपनीज ने अपना नाम इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ाया है। तो इस तरह अगर आपको इस तरह की कंपनी खड़ी करनी है, तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा आपके जो कवर पेज होता है उसके डिज़ाइन पर ख्याल रखना होगा। इसके अलावा जो पेजेस की क्वालिटी है उसका ख्याल रखना होगा, और जो आप बुक बनाओगे उसकी जो क्वालिटी है उसका भी आपको ख्याल रखना होगा। अगर आप इन सबको अच्छे तरीके से मेंटेन करते हो, देन आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा मार्केटिंग के लिए कॉस्टिंग निकालनी होगी, उस हिसाब से ही आप आपके जो बुक्स है उसके जो रेट्स है वो तय कर सकते हो। सेकंड थिंग, आपको मार्केट में भी अगर कॉम्पिटिशन में आपकी जो बुक्स है वो उतारनी है, तो वहाँ पर भी आपको जो रेट्स है उनका ख्याल रखना होगा। तो सही तरीके से सही रेट्स में सही क्वालिटी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी, इस तरह आप एक सही तरीके का ब्रांडिंग स्थापित कर सकते हो। दोस्तों अगर बात की जाए इस बिजनेस में मैन पावर की, तो यहाँ पर आपको जो आपकी जो प्लांट है उसमें 3 से 4 आपको स्किल्ड वर्कर रखने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा आपको 1 से 2 हेल्पर्स की आवश्यकता होगी, और सबसे मेन आपको यहाँ पर एक मजबूत सेल्स टीम की आवश्यकता होगी, जो आपका जो प्रोडक्ट है उसका सही तरीके से मार्केटिंग कर पाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम।